पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपके सामने तो करना शुरू करता हूँ। प्रभु मेरे जीवन को, मेरे बुद्धि को, मेरे परमेश्वर के होंठों को, मेरे जुबान को परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा में लेना। प्रभु जो कुछ मैं बात बोलूँ परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपकी ओर से हो प्रभु, वहाँ मैं फल लाने और अगर सीधे आपको चुनाव करना यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि यूसुफ को याकूब यानी कि उसका पिता उसके भाइयों को जो भेड़ बकरियों को चराने गए थे उनको उनका हाल पूछने के लिए वो भेजता है। परंतु उसके भाई जब वो उनकी और दूर से ही जब वो जा रहा था तो दूर से ही देखकर उसके लिए उसकी हत्या का वो प्लान करते हैं। तो क्यों वो अपने भाई को मारना चाहते थे ये पहले हम देखेंगे। याकूब के 12 पुत्रों में से एक यूसुफ था जो अपने पिता का प्रिय था। क्यों वो इसलिए प्रिय था कि वो अपने प्रिय पत्नी राहेल का पहला पुत्र था और वो उसे अपने बुढ़ापे में प्राप्त हुआ था और इसीलिए वो याकूब से प्रीति रखता था। उसका दूसरा कारण यह भी है कि यूसुफ अपने परमेश्वर के और अपने पिता के राह पर चलने वाला व्यक्ति था और उस प्रेम के खातिर अपने पिता याकूब ने उसे एक कलरफुल कोट रंग बिरंगा अंगरखा उसके लिए बनाया। और इन सारी बातों को देखते हुए कि पिता हमसे अधिक प्रेम अपने हमारे भाई यूसुफ से जो हमसे छोटा है उससे प्रीति रखता है और उसके लिए एक गिफ्ट भी उसने दिया कि जो कलरफुल कोट उसको दिया है जो उसको एक पहचान अलग थी कि वो अपने पिता का प्रिय है। तो इन सारी बातों को देखते हुए वो अपने भाई से जलन रखते हैं और आगे अगर हम देखें तो उसमें दो बार यूसुफ को स्वप्न गिरता है कि वो अपने भाइयों से बढ़कर उस स्वप्न का अर्थ डायरेक्टली अगर बताए तो ऐसा है कि अपने भाइयों से अधिक अपने भाइयों से बड़े पोस्ट पर उसको ऐसा परमेश्वर उसको स्वप्न के द्वारा बताता है। और उसके बाद जब अभी हमने पढ़ा कि याकूब यानी इसराइल अपने पुत्र यूसुफ को उसके भाइयों के पास शेकेम में भेजता है कि जा मैं तुझे भेजता हूँ कि अपने भाइयों का हाल देख कर आ। और जब यूसुफ अपने पिता को कहता है कि हाँ मैं जाता हूँ उससे जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ ऐसा अपने पिता से वो कहता है। जब वो जाता है शेकेम में अपने भाइयों को वो नहीं पाता है तो वहाँ एक मनुष्य होता है उससे पूछता है कि आपने मेरे भाइयों को देखा क्या। मैं आपसे विनती करता हूँ अगर आपने देखा हो तो मुझे उनका एड्रेस बताएं। तो उनका डिस्कशन वो सुनता है और वो कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि तेरे भाई दोतान में शेकेम से दोतान में गए हैं। तो वो अपने भाइयों को ढूंढते शेकेम से दोतान में जाता है। जब वो दूर ही से अपने भाइयों के पास अभी तक पहुंचा भी नहीं है तो अपने उसके भाइयों में जो उसके कारण जलन उसके पिता के प्रेम के कारण जो जलन उसमें थी उस कारण वो भाई प्लान कर रहे हैं कि हम अपने भाई को उसका खून हम करेंगे उसको मार डालेंगे। तो यूसुफ रूबेन जो है उनके बातों को सुनता है और रूबेन उनसे कहता है कि हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा लहू मत बहाओ उसके जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। रूबेन जो है अपने पिता का पहला पुत्र फर्स्ट बॉर्न वो था और वो चाहता था कि अपने भाई यूसुफ को उनके हाथ से बचाए। परंतु सेम वर्ड यूसुफ को उस मृत्यु से जीवन की ओर लेके जाना चाहता था लेकिन वो जीवन की ओर नहीं लेके गया उसको। और अपने जो 10 भाई है उसी उसके वर्ड के द्वारा उनको मृत्यु की ओर वो लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर हम पुराने नियम में अगर देखें तो फर्स्ट बॉर्न जो होते हैं जो पहलौठे होते हैं उनका अधिकार जो बाकी उनके पुत्र हैं जो पिता के बाकी पुत्र हैं उनसे अधिक अधिकार उस बड़े पुत्र का होता था। और हम आज भी देखते हैं कि जब पिता अगर बूढ़ा हो जाए या कुछ पिता ना रहे तो जो बड़ा भाई है फैमिली में वो अपने फैमिली को चलाता है। अगर मैंने फर्स्ट बॉर्न का ग्रीक में वर्ड निकाला है तो उसका वर्ड ऐसा है प्रोटोटोकॉस और उसका मीनिंग निकलता है फर्स्ट बॉर्न भी आता है प्रायोरिटी प्राधान्य यानी कि फर्स्ट बॉर्न को परमेश्वर प्राधान्य देता है
और उसी तरह से हिब्रू वर्ड मैंने निकाला, उसमें बेकॉर, बेकॉर का मीन्स चीफ और लीडर, यानी कि प्रमुख और जो लीड करता है वो, यानी जहाँ पिता ना हो, जहाँ पिता की गैर मौजूदगी हो, वहाँ पर जो पहलौटा होता है उसका वो अधिकार होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो रूबेन अपने पूरे अधिकार में वो नहीं था, शायद वो अपने भाइयों से डकार के कह सकता था कि नहीं, हम उसे नहीं मारेंगे क्योंकि वो हमारे ही पिता का खून है, हमारे ही मांस, हमारी ही हड्डी है। तो शायद वो अपने भाई यूसुफ को बचा सकता था, परंतु उसने दूसरा ऐसा आइडिया निकाला कि मैं अपने भाई को तो बचाना चाहता हूँ पर इन 10 भाइयों के विरोध में नहीं जाना चाहता। इसलिए वो अपने भाई को उनसे कहता है कि हम उसे गड्ढे में डालेंगे। परंतु वही सेम अगर कोई लीडर वहाँ है, अगर वहाँ रूबेन है, तो ये पूरी जिम्मेदारी रूबेन की थी कि वो अपने भाइयों को उस मृत्यु के राह पर ना लेके जाए, उस आइडिया को भी वो ना दे कि हम अपने भाई को गड्ढे में डाले, लेकिन वो जीवन को बताना चाहिए था पूरी तरीके से, लेकिन वो अधिकार उसने, अगर हम उसके जीवन को देखें तो उत्पत्ति इसका 35 अध्याय 12 में 22 वचन में अगर हम देखें तो वो अपने याकूब की पत्नी, जो दूसरी पत्नी थी, उसके साथ वो व्यभिचार करता है और वो अपने अधिकार को ऑलरेडी वो खो चुका है और इसीलिए अपने एक भाई को मृत्यु से जीवन की ओर तो लेके आना चाहता है परंतु वो जीवन की ओर नहीं लाता, परंतु उस 10 भाइयों को उस मृत्यु से मृत्यु की ओर वो लेके जाता है। और उसी तरह से अगर हम अपने जीवन में देखें कि पिता हमें, हम पिता के साथ चलते हो, हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं, स्वर्गीय पिता के साथ साथ चलने के कारण जो ज्ञान, जो परमेश्वर हमें उसके क्या कहेंगे गिफ्ट से और उसके जो दान वरदान हमारे जीवन में वो देता है, उसके द्वारा जब हम चलते हैं उसके दान वरदानों में, तो कई लोग होते हैं कि शायद वो इस यूसुफ की तरह जो उसके भाई उससे प्रीति नहीं रखते थे, इसी तरह से शायद हमारे लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं कि हमारे गिफ्ट्स को देखकर, हमारे परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, जो उसका बहुतायत का जीवन में हम चलते हैं, तो उस बात को देखकर शायद हमारे भाई हो, शायद हमारे फ्रेंड्स हो, शायद हमारे नेबर्स हो, शायद हमारे कलीग्स हो, हमारे ऊपर चलते हो, परंतु परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वहाँ खड़ा होता है। क्या हम वचन को देखेंगे, रोमन्स इसका 8वां अध्याय 29 वचन, कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एल्डर ब्रदर है, जिस प्रकार रूबेन उन 12 भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई था, जो पहलौटा था, प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लिए, हमारे हम सब के लिए वो बड़ा भाई है। कोई पढ़े रोमन्स इसका 8वां अध्याय 29 वचन, यहूदा और उसके भाई यूसुफ के अगेंस्ट वो खड़े रहे, शायद हमारे अगेंस्ट भी कोई खड़े रहेगा, शैतान आया ही है हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। जॉन इसका 10वां अध्याय और 10 वचन अगर हम पढ़े तो चोर आया है चोरी करने, घात करने और हमें खत्म करने के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो हमारा बड़ा भाई, जो फर्स्ट बॉर्न है, वो हमें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया है। अगर हम वचन पढ़े कुलुसियों का 1वां अध्याय 15 वचन, सारे सृष्टि में वो पहलौटा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ खड़ा है तो वो बहुतायत का जीवन वो प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। और उस रूबेन की तरह वो मृत्यु की राह की ओर नहीं परंतु वो सार्वकालिक जीवन की ओर हमें लेके चलता है। और दूसरा पार्ट हम देखेंगे इसका कि जब फर्स्ट फॉर्म जो पहलौटा होता है उसको अधिकार भी उतना ही होता है, उसको अधिकार उतना ही होता है, उसी तरह से वो लीडरशिप भी उतना ही मिलता है, रिस्पेक्ट भी उतना ही मिलता है, पर उसके साथ साथ वो सैक्रिफाइसेस भी उसके जीवन में होते हैं। कई बार हम देखते हैं अपने
जीवन में कि जो बड़े होते हैं, जो बड़े भाई होते हैं जो हमारे घर में, उनके कई बार अपने सैक्रिफाइसेस वो अपने छोटों के लिए अपने पिता के कहने से वो सिचुएशन के और से वो अपने जीवन में सैक्रिफाइस करते हैं। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारा बड़ा भाई जो हमारा इस जगत का पहलौठा है उसने भी हमारे हर एक के जीवन के लिए सारी सृष्टि के लिए उसने एक सैक्रिफाइस किया है। वो सैक्रिफाइस को हम देखेंगे मत्ते इसका 26 अध्याय 29 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि राख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। 26, 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। पिता की ओर से वो जो एल्डर ब्रदर हमारे सारे पापों को, हमारे उन सारे अपराधों को अपने ऊपर जब उसने लिया, उस लीडरशिप को उसने वहाँ दिखाया, उस अथॉरिटी को जो पिता की ओर से उसने अपने ऊपर वो अपने साथ लेकर आया था उसको वहाँ उसने दिखाया, और साथ ही साथ वो सैक्रिफाइस जो सहने के योग्य नहीं था कि उसके लिए वो प्रभु कहता है कि हो सके तो या ये प्याला मुझसे टल जाए परंतु मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। सारे जगत के लिए, हम सभी भाइयों के लिए उसने अपना प्राण दिया, उसने अपने उस अधिकार को जो पिता की ओर से उसने पाया था, उस अधिकार के द्वारा वो इस जगत में आकर हमारे हर एक को उसने अपने साथ जो उस रुबेन की तरह उस मृत्यु की ओर नहीं, उस गड्ढे में नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया है और उसके साथ प्रभु ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। उसी तरह से हम एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना इसका 17 अध्याय और 11 वचन। मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। प्रभु यीशु मसीह जो अपने पिता से हमारे लिए हर एक जो उसके प्रभु में जो भाई है, हम हर एक के जीवन के लिए पिता से वो विनती करता है, मैं अब जगत में न रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए यही इच्छा चाहता है, उसकी इच्छा यही है कि जैसे वो इस जगत में प्रभु के समान, जब प्रभु स्वर्गीय पिता इस जगत में नहीं आ सका, अपने एकलौते पुत्र को उसने हमारे पापों के लिए भेजा, तो उस पिता की इच्छाओं को उसने पूरा किया, उसके समान वो जिया, उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को, उस सैक्रिफाइसेस को उसने इस जगत में अंगीकार किया। उसी तरह से प्रभु हमारे जीवन से भी चाहता है कि जब हम उसके लहू के द्वारा हम जब बचाए गए हैं, उसके पवित्र लहू के द्वारा जब हम बचाए गए हैं, तो उसका हम उसके वो हमसे यही चाहता है कि हम भी उस प्रभु के समान, उस अथॉरिटी में, उसके उस प्यार में, उसके अनुग्रह में, उसके बहुतायत के जीवन में जिए, और सिर्फ हम ही वो बहुतायत का जीवन ना जिए परंतु जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम भी उसके नाम में फर्स्ट बॉर्न हुए हैं, जो हर एक जो उसका स्वीकार जिन्होंने किया वो हर एक प्रभु में फर्स्ट बॉर्न है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के तरह जब हम फर्स्ट बॉर्न है तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो प्रभु ने सैक्रिफाइस किए, जो उसने हर एक अथॉरिटी को उसने पाया और हर एक शैतानी बातों को उसने हमारे जीवन से दूर किया, जो अब हमारे भाई जो देखते हैं कि यूसुफ को याकूब ने भेजा कि उसके भाई जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे उनको उनके हाल पूछने के लिए, उनके हाल देखने के लिए प्रभु यूसुफ को भेजता है। प्रभु आज हमें भी
उस फर्स्ट बॉर्न की तरह, उस सारे अधिकार के साथ, उन सारे लीडरशिप के साथ प्रभु हमें भेजता है। और हमें सिर्फ उसने अकेला नहीं भेजा, परंतु उसका पवित्र आत्मा जो प्रभु के पुनरुत्थित होने के बाद जो उसने हमें दिया है, उसके द्वारा प्रभु हमें भी वो फर्स्ट बॉर्न की तरह उस अधिकार में हम जिए। और उसके सारे जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग अभी भी शैतान जिनके जीवन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, अभी भी जिनके जीवन के आशीषों को चुराना चाहता है, उन हर एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके जीवन में और बहुतायत के जीवन में लाए, यही प्रभु हमसे चाहता है, यह अनुभव है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम को, आपकी स्तुति आपकी आराधना करता प्रभु जी, आप महान प्रभु जी योग्य परमेश्वर पिता, हमें योग्यता न होने के कारण प्रभु आप हमें आपके सम्मुख आने का मौका दिया है प्रभु जी, हम पापी हैं परमेश्वर पिता, परंतु प्रभु आपके लहू के द्वारा प्रभु आपने परमेश्वर पिता को अधिकार हमें दिया, आपके लहू के द्वारा परमेश्वर पिता हमें प्रभु आप हमें परमेश्वर पिता वो पहलौटा होने का अधिकार आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु आप इस जगत में आकर प्रभु शैतान के प्लान्स को प्रभु जी आपने डिस्ट्रॉय किया प्रभु, जो हमारे आशीषों को छुड़ाने प्रभु हमारे जीवन को नाश की ओर लेके जाने आया था, परंतु प्रभु आपने उसके प्लान्स को प्रभु जी डिस्ट्रॉय किया प्रभु, और प्रभु हमें जीवन और बहुतायत का जीवन आपने दिया है परमेश्वर पिता। और प्रभु जब हम आपके नाम में चलते हैं परमेश्वर पिता, आपके प्रकाश में जब हम चलते हैं प्रभु, तो प्रभु आपकी इच्छा यही है कि प्रभु हम भी परमेश्वर पिता आपके उस जीवन के मार्ग पर परमेश्वर पिता प्रभु जी हम उस राह पर चले, और प्रभु जी जो लोग परमेश्वर पिता खोए हुए प्रभु उनको भी आपके अनुग्रह से प्रभु जी इस दया हमारे जीवन पर करना परमेश्वर पिता, और सारे आपके अधिकारों को प्रभु आप हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।